अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज जो है ये नॉर्मल व्लॉग से थोड़ा सा हट के व्लॉग है। आज के व्लॉग में आपको इंडियन हैदराबादी बिरयानी बनानी बताएंगे कि कैसी बनानी है, और मज़े की बात ये है कि इसको इंडिया के हैदराबादी लोग ही बना रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे हैं हदायत भाई और ये हमारे हैं अलीम भाई। कैसे हैं? वालेकुम। हदायत भाई आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हदायत भाई आज क्या बना रहे हैं? देखिए भाई, आज बन रही है हैदराबादी बिरयानी। हैदराबादी बिरयानी पूरी दुनिया में कहते हैं बहुत फेमस है, जो एशियन लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं। और ये खास बात इसमें ये है कि बस ये बिरयानी हैदराबादी बना सकता है। सही हो गया जी। ये बन गई है प्याज, ये ब्राउन हो गई है, ब्राउन होना चाहिए ये प्याज जी, तले जाकर ब्राउन होना चाहिए जी। अब ये ब्राउन हो गई है तो इस वजह से मेरे ख्याल से निकाल दिए। इसके बाद हम और प्याज है वो प्याज डालेंगे इसमें। आपने ये एक साथ ही क्यों नहीं डाला? ये कढ़ाई बहुत छोटी है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ कढ़ाई बड़ी बड़ी होती है। सही हो गया। फर्स्ट स्टेप जो है जो ये जो प्याज को भून ली है ना, उसको डालेंगे चिकन के अंदर। चिकन के अंदर ये किस लिए आपने डाला है चिकन के अंदर? अभी ये इसका मसाला बनेगा। ठीक है, मैरिनेट होगा अभी। हाँ, मैरिनेट होगा। हमारे साथ एक और बंदे आए हैं जी, सरोज खान भी आ गए हुए हैं। ठीक है सरोज खान, मैंने कहा कि आज जो है बिरयानी के ही व्लॉग बना लेते हैं। सही है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो। अलीम भाई को ले यार। अलीम भाई को तो मैंने कहा है कि अलीम भाई आपने ना अपनी लैंग्वेज में बात करनी है। नक्को बोला रहे नक्को हैदराबाद में मशहूर है। नक्को और हाउ, हाउ हाँ बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ भाई, हाँ तो हम लोग बोलते हाउ। हमारी ये है धनिया, तो हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं कोतमीर। कोतमीर, अच्छा जी कोतमीर। उस दिन आप मुझे फोन पे यही कह रहे थे, यही कह रहा और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या कह रहे हैं। अब ये धनिया डालने लगे हैं जी। हाँ। बीच में कोतमीर, पुदीना। पुदीना ठीक हो गया। मिंट, इसको मिंट कहते हैं। इसको आप अपनी जबान में क्या कहते हैं? पुदीना बोलते हैं। पुदीना, अच्छा हम भी पुदीने ही बोलते हैं। ये नींबू मसाले में डालना पड़ेगा, नींबू थोड़ा, फिर ऊपर से भी डालना पड़ेगा इस बिरयानी के ऊपर से। ठीक हो गया, वो उसके लिए खटास के लिए। ठीक हो गया। कितने नींबू आप इस्तेमाल करें? तो दो नींबू मैं निचड़ रहा हूँ अभी। ये है जिंजर पेस्ट। अच्छा जी, अब क्या करने लगे लीम भाई? ये हम चावल धो लिए थे। अच्छा, अभी इसको चावल को पकने के वास्ते रख रहे हैं हम लोग। कितनी देर पकने वास्ते रखें? ये पूरा पानी उबलेगा, चावल बनना है, आधा घंटा तो लगेगा इसको। अच्छा जी दयाल भाई, अब क्या डाल रहे हैं आप इसके अंदर? ये है शाजीरा, इसको हम लोग बोलते हैं दालचीनी चकला। दालचीनी का चकला बोलते हैं हैदराबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो। ये भी आएगा इसमें, खाने में नमक डाले तो नहीं तो फीका दिखेगा खाना। अच्छा, ये है दालचीनी पत्ता। ठीक है, हम लोग बोलते हैं इसको बी लीव्स। हम करी पत्ता बोलते हैं। अच्छा, करी पत्ता ही समझे भाई। ये है हल्दी। हल्दी तो ये जाएंगी दो चमचे। ठीक हो गया। और ये है लाल मिर्च। ये कितने चम्मच? ये भी जाएंगी दो चम्मच। ठीक हो गया। ये है ब्लैक पेपर। हैदराबादी बिरयानी मसाला। अच्छा सही 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 सही। अच्छा जी, अब इसमें धनिया पाउडर आ जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं धनिया पाउडर आ गया। इतनी अच्छी सी मसालों की खुशबू ही जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दिया है हदायत भाई ने। मुझे तो लग रहा है कि जितने आपको मसाले बता दिए आपने वैसे ही भूल जाना कैसे बनानी है बिरयानी। अब बताया भाई क्या डालने लगे इसमें? जीरा पाउडर करीब करीब, ये है एक किलो का डब्बा। अच्छा, तो कितना डालेंगे? तो देखते अभी आधा किलो तो चले गया इसमें। आधा किलो, हाँ। अच्छा जी, इसमें ना उन्होंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और अब इसमें नींबू जो है ना उसका रस जा रहा है। डालें जरा नींबू। ये नींबू चले गया, इससे जो है ना जो बिरयानी है ना चटपटी सी बिरयानी बनेगी, एक खटास होगी बिरयानी में जो मजेदार इसको बनाएगी। ये है ऑयल। ऑयल जी, कितना ऑयल जाएगा? देख समझिए अंदाजे से जी। अभी बस बस, नहीं नहीं डालो, पूरा जाएगा। सही हो गया। अब इसमें जो है ऑयल भी आ गया, अब इसको और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा ये। अच्छा जी, तो बिरयानी जो है ना अभी प्रोसेस में है थोड़ी सी, अभी जो है बन रही है। रात का यहाँ पे एक बज गया। अब आपको पता है कि ये समझ लें हॉस्टल लाइफ ही आप समझ लें, तो ये व्लॉग इसलिए जो है ज़्यादा मज़े का है। जो हैदराबाद के प्योर लोग हैं वो ही हैदराबादी बिरयानी बना रहे हैं, और जो आपको है ना एक मुफ्त में जो रेसिपी आपको पता लग रही है। और क्या चाहिए आप लोगों को?
अब ना जो अलीम भाई है ना, तो ये इसमें ना मिर्च डाल दें। ये है चावल जी, चावल रेडी हो गए, तो करीब रेडी हो गए, तो देखते हैं। और इसके मसाला, ये सारा मसाला जो है ना हंडिया में अब डाल दिया। अच्छा, पाकिस्तान की और इसमें जो है ना डिफरेंस मेरे ख्याल से ये है कि ये इन्होंने अपना चिकन ना अभी कुक नहीं किया, इन्होंने कच्चा ही चिकन जो है मसालों के अंदर मिक्स कर लिया है, और अब इसको आधा घंटा दम देंगे, उसी दम में ये पक जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तान में क्या करते हैं कि पहले कौरमा बना लेते हैं, उसके बाद उसकी लेयर्स जो हैं वो चावलों के अंदर मिक्स करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इन्होंने नीचे कच्चा ही जो है उसके ऊपर चावलों की लेयर बना दी है, और इसे कहते हैं हैदराबादी दम बिरयानी। दम बिरयानी ठीक हो, और इसमें अभी थोड़े से और चावल आएंगे ऊपर तक है, ऊपर तक फुल भरेंगे इसको, फुल भरेंगे। इसमें से ना ऊपर से भी ऑयल डाल रहे ताकि अच्छे तरीके से ना अंदर तक जो है चीज पके। ऊपर से भी ऑयल है, नीचे भी इसमें ऑयल डाला था। अलीम भाई, अब देसी घी क्यों डाला हमने? असली घी मजे के लिए डालते हैं, खुशबू के लिए, बिरयानी में खुशबू अच्छी आएगी। अब जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया हुआ है, धनिया के बाद जो है वहाँ पे पुदीना जो है जिसे मिंट कहते हैं। अच्छा, ये ना दम के लिए इसके ऊपर एक जो फॉइल पेपर होता है ना वो लगा रहे हैं, ताकि इसमें से जो है ना गैस हवा जो है वो बाहर ना निकले, धुआं जो बाहर ना निकले, जो जितना भी अंदर जो सेक है ना वो अंदर ही रहे। तो अब जो है इसको हल्की आंच पे रख देंगे, उससे पहले देख रहे हैं कि अच्छे तरीके से कि ये बंद हो गई है कि नहीं होगी। अच्छा जी, वो मौका आ गया हुआ है, अब जो है ना इसको देखेंगे कि खोलने लगे हैं, देखते हैं कि अब इसका क्या रंग क्या टेस्ट। मैं ना ऊपर से खुद ही आ गया क्योंकि मुझे खुशबू आ रही थी इसकी, और ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब उतार के देखते हैं कि क्या रंग आता है, क्या टेस्ट आता है इसका, और क्या कलर आता है इसका। खुशबू तो अच्छी आ रही है इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, यहाँ पे देते। आप हमारे सफर का इम्तिहान ले रहे हैं। आधा घंटा कह के पौना घंटा, अब आपने फिर पाँच मिनट, फिर ये दो मिनट। तो अच्छा जी, इन्होंने बताया क्या किया है, इन्होंने जो है ना चावल मिक्स नहीं करते, ये इन्होंने साइड से ही जो है वो निकाल लिया। आप इसमें डालेंगे, इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे, सारे चावल जो है वो मिक्स नहीं करेंगे। तो ये हैदराबादी बिरयानी हमने बना चुकी है, तो इसका प्रोसेस लगभग डेढ़ से दो घंटा लगा है। तो स्पेशली मैंने ये हसन भाई की वीडियो के लिए बनाया, तो मुझे ये वीडियो को आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हैदराबादी बिरयानी आपको किस तरह दिखी है। अच्छा जी, तो चावल जो है वो खाली हुए हैं, शुरू में थोड़ा से नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब बाद में हमने स्पाइसी वाली चीज़ें चावल बीच में डाले हैं, वाकई ही कमाल का टेस्ट था, मज़ा आ गया। इतने दिनों बाद ना कोई चीज़ रज के खाई है और मज़ा लेके खाई है, पेट ना पहली पाकिस्तान के बाद अभी पहली दफ़ा पेट भरने वाला सही जो है ना एहसास अब हुआ है, मज़ा आ गया। स्पाइसी बिरयानी खा के मज़ा आ गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देख के भी मज़ा आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपके लिए नई नई वीडियो मैं और डालता रहूँगा, ऐसे ही आपके प्यार की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.